हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्लड फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किए थे कि सर एनाटॉमी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसलिए हम ब्लड के ऊपर वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं ब्लड फंक्शंस। अब ब्लड फंक्शन को सिंपल में समझने के लिए मैंने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सटेंसेस, उसके बाद रेगुलेटिंग ब्लड लेवल्स ऑफ सब्सटेंसेस, उसके बाद प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शंस, मतलब जो ब्लड है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी सेल्स विथ ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि शरीर के हर बॉडी सेल्स के पास ब्लड ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, उसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालने का भी काम करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस एंड हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ऑर्गन टू टारगेट ऑर्गन, मतलब कि जो न्यूट्रिशंस है वो भी न्यूट्रिशन और हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करने का काम भी ब्लड करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट और टू लंग्स एंड किडनी फॉर एलिमिनेशन, मतलब कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो हमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया उसे लंग्स तक लेके जाएगा और जो बाकी के वेस्ट रहेंगे उसे किडनी तक लेके जाएगा, तो किडनी यूरिन थ्रू से बाहर फेंक देगा, ये भी वर्क ब्लड करता है। अब देखते हैं रेगुलेशन फंक्शन, मतलब पहला देखेंगे इसमें मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर बाय ऑब्जर्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, मतलब कि बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। तो ऐसा नहीं होगा कि समझो कोई ऑर्गन का टेम्परेचर अलग है, दूसरे ऑर्गन का टेम्परेचर अलग है, ऐसा नहीं रहेगा। बॉडी के हर ऑर्गन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद देखेंगे मेंटेनिंग नॉर्मल पीएच यूजिंग बफर्स, उसके बाद अल्कलाइन रिसीवर्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयरन्स, उसके बाद देखेंगे पीएच को नॉर्मल रखने का काम करता है। उसके बाद मेंटेनिंग एडिक्वेट फ्लूड वॉल्यूम इन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूड के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का काम भी ब्लड करता है। तो ये हो गया रेगुलेशन फंक्शंस। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन फंक्शंस, तो प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, मतलब कि खून को लॉस होने से भी हमें ब्लड बचाता है। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन जो रहता है, जिसमें प्लेटलेट्स रहते हैं, उससे हम बच सकते हैं ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड लॉस से, सॉरी। तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन से भी बचाता है, एंटीबॉडीज बनाएगा। उसके बाद में WBC जो रहते हैं उससे भी, वो भी हमें इन्फेक्शन से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उससे बचाएगा। तो ये था पूरा वीडियो ब्लड फंक्शन के ऊपर। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।